अब ये साइन है लेकिन साइन क्यूब है, साइनोसोइडल फंक्शन लेकिन साइन क्यूब है ये, तो क्या करें, मतलब व्हाट शुड वी डू? तो या तो पूरी जद्दोजहद लगा के फिर से वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगा सकते हैं, या उससे बेटर एक इजी तरीका है कि हमारी जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो ऐसी होती है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अगर इस फॉर्म में आ गई तब तो भाई SHM है, नहीं तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, अगर x बचा उसमें, मतलब x के टर्म्स में लिख पाए अगर अपन उसे, तब तो वह SHM है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगर पिछले वाले में भी कर सकते थे ये तरीका, लेकिन पिछला वाला क्योंकि बहुत ही ईजिली साइन में कन्वर्ट होके एक ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में बन गया, तो वहीं से हमने बता दिया। कोई फार्मूला वार्मूला नहीं समझ पा रहे, जैसे इसमें नहीं समझ पा रहे अपन फार्मूला, वैसे साइन क्यूब थीटा का भी फार्मूला पता है शायद हमें, ना साइन थ्री थीटा का फार्मूला पता है, उसमें क्यूब जनरेट होता है, तो मान लो नहीं पता फार्मूला है ना, तो फिर ऐसे कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करते हैं अपन डी एक्स बाई डी टी, तो ये क्या होगा, थ्री साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, और अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना, अब साइन ओमेगा टी का, तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, फिर ख़त्म नहीं हुआ, ओमेगा टी का ओमेगा। ये समझ में आया कि क्या लिख दिया ये मैंने, चेन रूल्स है ना। ठीक है, तो ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है इसका, अभी तो एक बार और करना है, तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। तो थ्री कॉन्स्टेंट है, ओमेगा कॉन्स्टेंट, इनको थोड़ा साइड में ले लो, थ्री ओमेगा। अब अंदर क्या है, अंदर है दो चीज़ें, ये दो चीज़ें। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, या मतलब हजारों तरीके हैं इसको, हजारों तो नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वन माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को, और ये मल्टीप्लाइड है कॉस ओमेगा टी के साथ, सो दिस कैन बिकम कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस क्यूब ओमेगा टी। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर उसमें उसमें शुरू हो गए, और एक ओमेगा भी आएगा ना, तो ओमेगा तो बाहर ले लिया यहाँ पे, फिर माइनस 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 को ऐसा रखा, अब इसको डिफरेंशिएट किया, तो थ्री कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये साइन ओमेगा टी, और एक ओमेगा भी, तो ये ओमेगा। ठीक है, फिर अभी इसको सिंपलीफाई करना है, तो सब लो बाहर, ओमेगा कॉमन निकल के आ जाएगा और साइन ओमेगा टी भी कॉमन आ जाएगा, तो थ्री ओमेगा साइन ओमेगा टी, एक ओमेगा बाहर, तो साइन ये यहाँ से बना थ्री कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस वन, ये बन गया। तो अब इसको देखो, इसको हमें x के प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है किसी तरीके से, तो कोशिश कर लेते हैं, तो इसको पलट के लिखते हैं ज़रा सा, वन माइनस कॉस ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ये वाली चीज़ जो ब्रैकेट में लिखी हुई है, और फिर लिख दिया इसको वन माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा माइनस टू कॉस स्क्वायर ओमेगा, तो एक कॉस स्क्वायर यहाँ एक कॉस स्क्वायर यहाँ, माइनस बाहर ले लिया था यहाँ पे, तो ये माइनस भी चल रहा है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये कॉस टू थीटा का नेगेटिव, तो कॉस टू ओमेगा टी माइनस के साथ एक माइनस बाहर ही है, और यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर, तो देर इज़ नो वे कि हम इसको ऐसे जमा पाएँ इस फॉर्म में, x के प्रोपोर्शनल लेके आ पाएँ, x क्या है साइन क्यूब ओमेगा टी, तो आ नहीं रहा है वो, है ना, तो SHM नहीं है ये। आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ नहीं है ये SHM नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ अपन जमा ही नहीं पा रहे उस फॉर्म में, इस वजह से।
तीसरा तो बहुत ही सिंपल है, तीसरे में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखो, देखते ही समझ में आ रहा है कि एस एच एम है। तीसरा ये लिखा हुआ है, 3 cos π/4 - 2 ω t, 3 cos π/4 - 2 ω t। तो ये तो एक ही कॉस के फॉर्म में है, दिख रहा है इसका इनिशियल, मतलब उसी फॉर्म में जमा होगा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। ये तो है भी चमक रहा है ना, ये तो एस एच एम है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं। एक और, कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस 3 ω t प्लस कॉस 5 ω t। तो ये ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन सॉल्व किया है अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। तो क्या होता है, इन दोनों को क्लब कर दो और फिर वो जो आएगा वो उसके साथ इसको क्लब कर दो, तो एक ही में कन्वर्ट हो जाता है ये, और ये एस एच एम है। और एक और है, ई टू द पावर, ऐसे लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट ई टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो अब जरा सा देख के बताओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पीरियोडिक ही नहीं है ये, क्योंकि टी की वैल्यू बढ़ा, कोई अगली वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू बढ़ती ही जानी है, मतलब इनफैक्ट घटती ही जानी है, माइनस लगा है ना यहाँ पे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो ये नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक है तो एस एच एम ही नहीं है। उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नॉन एक्सपोनेंशियल नहीं, सॉरी, पॉलीनोमियल फंक्शन, 1 + ω t प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ये बताओ, तो टी की ये रिपीटिंग फंक्शन नहीं है ना, ये भी रिपीटिंग नहीं है, चल बढ़ती जा रही है इसकी वैल्यू, पॉलीनोमियल है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, बढ़ते ही जाता है वो, दिस इज ऑल्सो नॉन पीरियोडिक। और बताओ, ओके, ठीक है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा था एस एच एम, उसमें इक्वेशन आती थी उसकी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है, और ये लीनियर एस एच एम था, लीनियर मतलब कि सीधी लाइन में चल रहा था, दिस वॉज लीनियर एस एच एम। बट अगर एंगुलर एस एच एम भी आ जाए, तो भी हम इसकी गवर्निंग इक्वेशन, अब यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है, थीटा, ठीक है, एम्पलीट्यूड थीटा मैक्सिमम पहुँच रहा है यहाँ पे, फिर थीटा मिनिमम आ रहा है, तो जहाँ पे ये काम जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा था वो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर देगा वहाँ पे। तो इसकी गवर्निंग इक्वेशन क्या होगी, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, इनका तो कुछ खेल चेंज नहीं होगा, ये तो वही पैरामीटर थे जो एस एच एम के पैरामीटर्स, एंगुलर फ्रिक्वेंसी और इनिशियल फेज बताते थे। तो लीनियर एस एच एम और एंगुलर एस एच एम में बस यही डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स होता था, वापस उसको रिस्टोरिंग फोर्स लेके आता था, है ना, इट वॉज गवर्न्ड बाय रिस्टोरिंग फोर्स। ये इसमें रिस्टोर करने के लिए टॉर्क लगे, टॉर्क लगेगा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क का कॉन्सेप्ट होगा, और रीस्टोरिंग फोर्स की जो गवर्निंग इक्वेशन थी दैट वाज लाइक
डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे गवर्निंग इक्वेशन क्या होगी, रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन। सो दिस वॉज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन एंड दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन। तो इसका एक एग्जांपल हमने देखा इस टाइप के एसएचएम का, स्प्रिंग मास सिस्टम। दिस वाज द एग्जांपल। अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम इज व्हाट, एक मासलेस स्ट्रिंग से पॉइंट मास अटैच्ड है, ठीक है, बस दैट्स इट। ये सिंपल पेंडुलम है और इसको अगर इसकी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क जो ग्रेविटी की वजह से जनरेट होगा वो इसको अपनी वापस पोजीशन पे लाएगा, इस वजह से ये गोल गोल घूमेगा। तो हम इसकी इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं। वैसे तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम्हें रटा ही होगा, क्या है वो, है ना, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने डायमेंशन एनालिसिस के टाइम रट लिया था। तो ये हम डिराइव करेंगे अब फाइनली, मतलब कि कैसे आया ये। तो लेट्स से इसको थीटा एंगल से हमने थोड़ा सा सरका दिया, तो इस पॉइंट पे रीस्टोरिंग टॉर्क कितना लगने वाला है वो अपन लिखना चाहते हैं। और वो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाए इस थीटा के तब तो एसएचएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसका एफबीडी बना लेते हैं, ये बन गया एमजी। ठीक है, ये लग गया टेंशन। तो किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना चाहिए बताओ ज़रा अपने इंट्यूशन से, टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लिखें, मतलब टॉर्क हम क्या लिखना लिखने वाले हैं अभी, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, तो ये किस पॉइंट के अबाउट लिखें, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट के अबाउट टी का तो टॉर्क जीरो होगा क्योंकि वो वहीं से गुजर रहा है, इसका ही आएगा बस इसका, ठीक है। तो ठीक है, तो mg और ये वाली लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ l है, तो mg ये l, तो ये l cos theta, तो ये l sin theta, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज l sin theta एंड फोर्स इज mg, तो टॉर्क कितना हो गया mg l sin theta। ये समझना है, रिकॉल करो mg l sin theta कैसे लिख दिया। किस किस को समझ में आया ये 100% एक्यूरेसी के साथ की है एम जी एल साइन थीटा कैसे लिख दिया, किस किस को नहीं आया। हाँ हाँ,
एम जी नीचे नीचे क्यों लग रहा है? एम जी ग्रेविटी की वजह से। क्या डाउट पूछा तुमने? नहीं ना, हम क्या चाहते हैं, हम इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क लिखना चाहते हैं, किसका, इस पे लगने वाले फोर्सेस की वजह से। तो टी की वजह से तो ज़ीरो हो जाएगा, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन एम जी की वजह से ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एम जी इससे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, तो एम जी इधर जा रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है, एल साइन थीटा। तो फोर्स टॉर्क हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या तो डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो दो तरीके थे, एक तरीका कि हम फोर्स को रिजॉल्व कर लें और एल से मल्टीप्लाई कर दें, या एल को रिजॉल्व कर लें और एफ से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने ये वाला तरीका कर दिया। तो एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू आई अल्फा। अब आई बताओ, आई क्या लिखेंगे यहाँ पे? आई आई किसका लिखेंगे, किस पे चल रहा है काम? इस पॉइंट पार्टिकल पे चल रहा है सब कुछ, तो इसका आई लिखना है हमें इसके अबाउट। तो कितना लिखाएगा आई? क्या होता है आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये पॉइंट पार्टिकल की तरह है, ये रॉड नहीं है, तो मासलेस स्ट्रिंग है, कोई रॉड नहीं, एम एल स्क्वायर बाय 312 मत सोचो, ये तो बस एक पॉइंट पार्टिकल है यहाँ पे। और पॉइंट पार्टिकल का किसी भी पॉइंट के अबाउट कितना होता है? एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका कितना होगा? एम एल स्क्वायर। तो ये हो गया एम एल स्क्वायर और ये अल्फा। ठीक है, अब बस हमारे सामने इक्वेशन आ चुकी है, अब सब हो जाएगा काम। तो एम जी, एल से एक एल कट गया, एम से एम कट गया, तो जी बचा बस, जी बाय एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। तो लीनियर एसएचएम में एक्सीलरेशन वॉज लाइक ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, नेगेटिव में, और रीस्टोरिंग है, मैग्नीट्यूड लिखा है बस वहाँ पर हमने। तो एंगुलर एसएचएम में क्या होगा? एक्सीलरेशन दिया, एंगुलर एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर थीटा, है ना। तो अल्फा लेके आ चुके हैं अपन वहाँ तक, तो अब ज़रा सा अप्रॉक्सीमेशन कि यहाँ पे थीटा नहीं बट साइन थीटा है, है ना। तो एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करना पड़ेगा हमें कि थीटा जब बहुत कम होता है तब साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। तो व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटेड एज थीटा। ये कैसे पता चला? ये लिमिट्स पढ़ चुके हैं अगर, तो वहाँ से तो हमें पता ही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो साइन एक्स बाय एक्स को हम वन लिख देते थे। तो इसका मतलब अगर एक्स बहुत छोटा है तो साइन एक्स और एक्स बराबर होते हैं तभी वो कट के से वन हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ये कि अगर साइन थीटा थीटा के बराबर, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, स्मॉल ऑसिलेशन मतलब एक डिग्री, दो डिग्री, पाँच डिग्री, इतना, उससे ज़्यादा के लिए फिर एसएचएम नहीं होगा वो, फिर तो वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो व्हेन साइन थीटा इज थीटा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू जी बाय एल थीटा। तो यहाँ से अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये आ गया। तो हैंस इट इज एंगुलर एसएचएम। इसलिए ये एंगुलर एसएचएम है, और जिसमें ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट जी बाय एल, और टाइम पीरियड क्या होता है, टू पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ से आ गया टू पाई अंडर रूट एल बाय जी, टाइम पीरियड यहाँ से डेराइव होके आ जाता है। ये जो अल्फा है, दिस इज व्हाट, अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर थीटा, अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर थीटा फॉर एंगुलर एसएचएम। तो इसलिए कंपेयर कर लिया हमने वहां से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये SHM तभी है जब थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, है ना। इसका अगर इस्तेमाल नहीं करते हम, तब तो देखो अल्फ़ा किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, साइन थीटा के। तो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आता है तब नहीं होता SHM, थीटा के प्रोपोर्शनल आएगा तब है। तो ये स्पेसिफिकली जब बहुत कम टाइम पीरियड है, बहुत कम एम्पलीट्यूड है इसका रोटेशन का, तभी ये SHM है। अच्छा, वैसे जो पेंडुलम की घड़ियाँ आती थी, जब घड़ी डिजिटल क्लॉक नहीं थी, तो कितना टाइम पीरियड उसका रखना पड़ता होगा कि सही चलता रहे हो? वन सेकेंड। तो उसका फंक्शनल क्या होता था? फंक्शनैलिटी ये होती थी कि वो एक तरफ जब स्विंग होता था तो वो एक झटका मारता था तो कांटा एक तरफ बढ़ जाता था, फिर दूसरी तरफ जाता था तो फिर एक और झटका मारता तो फिर आगे बढ़ जाता था। तो आधे स्विंग में एक सेकेंड होना चाहिए, तो पूरे स्विंग में दो सेकेंड। तो उसका टाइम पीरियड जो सेकेंड पेंडुलम होता था वो दो सेकेंड का टाइम पीरियड होता था, ठीक है। तो मान लो कि अगर हमें दो सेकेंड का टाइम पीरियड वाली क्लॉक बनानी है, तो उसका एल और जी क्या जी तो चेंज नहीं कर सकते हम, क्योंकि जी तो जी ही है, एल चेंज कर सकते हैं बस। तो लिखो जरा, फॉर सेकेंड पेंडुलम सेकेंड्स पेंडुलम क्लॉक टाइम पीरियड मस्ट बी टू सेकेंड्स, ठीक है, दैट इज टू पाई अंडर रूट एल बाई जी मस्ट बी इक्वल्स टू टू। तो स्क्वायर कर दिया तो एल इज इक्वल्स टू टू जी, टू से टू तो कट गया सबसे पहले, ये आ गया जी बाय पाई स्क्वायर। इतनी लेंथ का पेंडुलम लटकाना पड़ेगा, इतनी लेंथ पर लगभग लगभग कितना, लगभग अंदाज़ा लगाएं तो जी की वैल्यू होती है लगभग 10, पाई स्क्वायर भी लगभग 9 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग मीटर्स, एक मीटर लगभग, एक मीटर मतलब इतना लंबा, ये डंडे बराबर इतने बड़ा होता है एक मीटर, या थोड़ा और बड़ा होता है, थोड़ा और बड़ा होता है। तो कैसा सिस्टम रहता होगा, पहले बड़े बड़े चर्चेज़ में या कहीं कहीं रेलवे स्टेशन जो बहुत पुराने पुराने हैं, विक्टोरिया टर्मिनस जैसे, वहाँ पे घड़ी क्या करते होंगे, सुबह जैसी कुछ उनका मार्क रहता होगा, सन वगैरह उगता होगा, तब वो 6 बजे का कुछ लगा देते होंगे कांटा, उसमें घुमा देते होंगे उसे, फिर धीरे धीरे रात तक वो बहुत स्लो हो जाता होगा, फिर सुबह फिर यही प्रोसेस करते होंगे। अभी तक जितना भी हमने SHM पढ़ा वो पूरा का पूरा नॉन डैम्ड एसिलेशन था। नॉन डैम्ड मतलब कि बिल्कुल चले जा रहा है और रुक नहीं रहा है कभी, बट असलियत में ऐसा नहीं होता। अगर तुम किसी चीज़ को ऑसिलेट करा के छोड़ दो तो वो रुक जाएगा कभी ना कभी। तो अब अपन थोड़े से प्रैक्टिकल ऑसिलेशंस के बारे में समझते हैं कि डैम्ड ऑसिलेशन क्या होता है। तो एक नोट करके लिखो, टिल नाउ we have studied undamped oscillation. But now we are going to study damped oscillations. और डैम्ड ऑसिलेशंस में भी डैम्ड SHM ही पढ़े ना, इसकी इक्वेशन देखेंगे हम डैम्ड SHM की, कि इक्वेशन कैसे उसकी चेंज हो जाएगी।
तो इसमें थोड़ा लिखो, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी रिड्यूसेस, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी रिड्यूसेस एंड इवेंचुअली कम्स टू इट्स मीन पोजिशन. And eventually comes to its mean position. उसके नीचे लिखो, dissipating forces cause damping. उसके बाद डैम्पिंग फोर्सेस के बारे में लिखो, सब ऐसे डैम्पिंग फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे ये लिखना नहीं है अभी जो बोल रहा हूँ मैं. डैम्पिंग फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, एयर फ्रिक्शन कि हमने पेंडुलम घुमा के छोड़ दिया, अब वो रुक क्यों जाता है, वो फाइनली इसलिए रुक जाता है क्योंकि हवा का फ्रिक्शन लगता है उसमें. या मान लो कि SHM हमने स्टेबल पर चला के स्प्रिंग मास सिस्टम चला के ऐसे छोड़ दिया, तो क्यों रुक जाएगा वो, क्योंकि फ्रिक्शन होगा जो सरफेस से मिलेगा. तो लिखो डैम्पिंग फोर्सेज में पहला पॉइंट, इट अपोजेज द मोशन ऑफ द बॉडी. It opposes the motion of the body. इसका लिखो, magnitude of damping force is proportional to the velocity of the body. Velocity of the body. So FD is directly proportional to minus V. Minus क्या दर्शाता है, कि it acts in opposite direction of the velocity. तो लिखो इसमें, it acts in the opposite direction of velocity. It acts in the opposite direction of velocity. तो ये जो डैम्पिंग फोर्स है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, उस कॉन्स्टेंट को अपन बी बोल देते हैं, है ना, बी, वेयर बी इज कॉल्ड डैम्पिंग कॉन्स्टेंट. And it depends on damping constant. लिखो नीचे, damping constant depends on characteristics of the medium. That is viscosity, friction, etc. Characteristic of the medium, that is viscosity, friction, etc. And the size and shape of the block. ठीक है. तो अब हमारे पास जो नॉर्मल SHM था, जहाँ पे कोई डैम्पिंग नहीं हो रही थी, वहाँ पे तो केवल रीस्टोरिंग फोर्स था. अब लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन में एक और फोर्स आ जाएगा,
दो फोर्स आ जाएंगे, है ना, डैम्पिंग फोर्स। तो लिखो नीचे लिखो, सो द इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेट डैम्प्ड SHM, इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड SHM इन्वॉल्व्स रिस्टोरिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स बोथ। इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन सॉरी डैम्प्ड SHM इन्वॉल्व्ड रिस्टोरिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स। तो लिखो यहाँ पे F रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज FS वॉज वॉट माइनस के एक्स एंड डैम्पिंग फोर्स दैट इज FD इज इक्वल्स टू माइनस BV। अगर सिचुएशन इमेजिन करें फॉर अ ब्लॉक ऑफ मास एम अंडरगोइंग डैम्प्ड SHM, अंडरगोइंग डैम्प्ड SHM, ये ब्लॉक है उस पर अब दो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो रिस्टोरिंग फोर्स FS और एक डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, द डैम्पिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स देख के हम बता सकते हैं कुछ कुछ चीज़ें। जैसे डैम्पिंग फोर्स इस सिचुएशन में इस तरफ लग रहा है, मतलब स्पीड किस तरफ होगी इसकी, इसके अपोजिट, मतलब इस तरफ जा रहा होगा, ये वेलोसिटी इधर है। सिमिलरली रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ लगता है, मेन पोजिशन की तरफ, इसका मतलब मेन पोजिशन यहाँ पर कहीं पर होगी। तो हमने कुछ रैंडमली बना दिया ना, एक तरफ का ही बना दिया। ठीक है, तो नेट जो टोटल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, FS प्लस FD, और जो टोटल फोर्स है वही मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, बस अब कंपाइल करके लिख रहे हैं इक्वेशन को, तो माइनस KX प्लस BV इक्वल्स टू मास, और एक्सीलरेशन को डबल डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अरेंज करेंगे, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस बी वी, चाहिए माइनस है इधर, प्लस बी वी इक्वल्स टू जीरो। तो ये गवर्निंग इक्वेशन है डैम्प्ड SHM की, दिस इज गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड SHM। फ्री SHM की गवर्निंग इक्वेशन कितनी थी, केवल इतनी थी, है ना, ये फ्री SHM की। तो ये बस ये वाली चीज एडअप हो गई इसमें। ठीक है, अच्छा केवल इतनी होती तो क्या सॉल्यूशन निकल के आया था इसका, इसका सॉल्यूशन निकल के आया था a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, केवल इतनी होती तो इसका मतलब अब वो सॉल्यूशन तो नहीं होगा, कुछ और होगा। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन डायरेक्टली हमें याद रखना है, अभी दिस इक्वेशन वी कुड नॉट सॉल्व बट इसका सॉल्यूशन हमें याद रखना है फाइनली। तो द सॉल्यूशन इज, किस टाइप की गवर्निंग इक्वेशन है, ये सेकेंड ऑर्डर गवर्निंग इक्वेशन है, देखो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 पहुंच रहा है यहाँ पे। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस टाइप से होता है, एक्स टी इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड SHM। अगर x को डिफरेंशिएट करेंगे दो बार, यहाँ फिट करेंगे, x को रखेंगे यहाँ पे, v को dx by dt मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके यहाँ फिट करेंगे, तो जब
रिवर्ट बैक करके चेक करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये इक्वेशन आई है, बस इसको याद रखने का मतलब समझते हैं पहले क्या है, क्या मतलब ये। तो SHM की इक्वेशन जस्ट A cos ओमेगा टी होती नॉर्मल SHM की, बट डैम्पिंग की वजह से ये चीज़ आ गई है। तो ये चीज़ एक्चुअली क्या कर रही है ये समझते हैं कि वॉट दिस थिंग इज डूइंग। तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पर, ऑसिलेशन की x ऑफ t वॉज नथिंग बट a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, अगर इसको प्लॉट करते करने जाते हम, है ना, फाई को जीरो मान लो फॉर द टाइम बीइंग, तो कुछ ऐसे प्लॉट हो जाता। और डैम्पिंग नहीं हो रही है तो एम्पलीट्यूड बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, बराबर जितना है उतना ही है हमेशा। ठीक है, लेकिन अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या हो रहा है, हम इस a के साथ एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, e की पावर माइनस समथिंग इज डिक्रीजिंग समथिंग, तो a की वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफ बनाऊँ x वर्सेस e टू द पावर माइनस x, तो x की वैल्यू जब 1 है तब तो 0 है तब तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और फिर जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो एक्सपोनेंशियली घटता जाएगा, इस टाइप से एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे a के साथ, मतलब कि एम्पलीट्यूड को कम कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन लिखते हैं, x ऑफ t इज a e टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ना कॉस और साइन से कोई मतलब नहीं है ना, वो तो बस ये रिपीटिंग बता रहा है वो, अभी इस पर फोकस करना है हमें कि वॉट इज दिस। तो देखो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन a की वैल्यू को कम करवा रहा है, तो हम एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन बना लेते हैं ऐसे, और वो cos का फंक्शन है तो दोनों साइड लेके जाएगा वो, ऊपर भी और नीचे भी। और अब जब SHM शुरू होगा तो डैम्पिंग शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे तो बिल्कुल डैम्पिंग नहीं हो रही थी, यहाँ पर इसकी लिमिट में चलेगा ये। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इसका एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है, और फिर धीरे धीरे एकदम कम होते होते सेचूरेट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, तो वॉट दिस थिंग इज डूइंग, ये चीज़ क्या कर रही है, इसके एम्पलीट्यूड को धीरे धीरे कम कर रही है। सो दिस इज एक्सपोनेंशियली, दिस फैक्टर इज डिक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसको बनाओ अच्छे से। तो अब यहां पर डैम्ड ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं रह रहा, वो घटता जा रहा है टाइम के साथ, है ना, कम होता जा रहा है। एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इन डैम्ड ऑसिलेशन नोट करके लिखो, एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जिसकी वैल्यू ये है a इंटू ये शुरुआत वाला एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस बी टी बाय टू है। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में जब हमने देखा था तो एनर्जी कंजर्व होती थी, क्यों कंजर्व होती थी, क्योंकि एम्पलीट्यूड एकदम अच्छा ये बढ़ता हुआ सब दिख रहा है, वो बढ़ता हुआ नहीं, वो सेम गलत बन गया डायग्राम, सेम एम्पलीट्यूड है वो। तो एनर्जी हमेशा बराबर क्यों रहती थी, टोटल एनर्जी, क्योंकि एम्पलीट्यूड हमेशा कॉन्स्टेंट रहता था, लेकिन यहाँ पर एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन में वेस्ट हो रही है एनर्जी। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी है हमें तो लिख सकते हैं इसकी भी, तो लिखते हैं
तो काइनेटिक एनर्जी याद करो, उसमें नॉर्मल में कैसे लिखते थे अपन, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए इज लाइक ये वाली चीज़ रख देंगे यहाँ पे माइनस एक्स वो वाली चीज़ रख देंगे यहाँ पे। टोटल एनर्जी कैसे लिखते थे, कंजर्व जो होके आती थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो अब ये उठा के रखना है यहाँ पे, तो इट विल बी ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम, इसका भी स्क्वायर तो टू से टू कट जाएगा ये, तो इट विल बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी टी बाई एम। ये कैसा लग रहा है चैप्टर, समझदार समझने वाला लग रहा है या बोरिंग है? ये रिवाइज करना पड़ेगा उसे ना, ये बहुत इजी चैप्टर है, एक इक्वेशन पे पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अच्छा तो एक और टॉपिक है इसमें, बहुत थियोरेटिकल टॉपिक है, कि कुछ तो नेचर में फ्री ऑसिलेशंस होते हैं और कुछ फोर्स्ड ऑसिलेशन होते हैं। जैसे अगर तुम झूला झूल रहे हो, ठीक है, वो पेड़ पे बांध के ऐसे झूला झूलो, या तो मैं भी ऐसे झूला झूल रहा हूँ, तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है या फ्री ऑसिलेशन है? फोर्स्ड ऑसिलेशन है कि अगर तुमने धक्का लगाना बंद किया तो झूला रुक गया, लेकिन कुछ फ्री ऑसिलेशन भी हो रहे हैं यूनिवर्स में। जैसे कोई एग्जांपल, अर्थ घूम रही सन के अराउंड, है ना, अपने आप चले जा रहा है चले जा रहे हैं, प्लैनेटरी मोशंस हो रहे हैं, सब अपने आप चले जा रहे हैं, तो ये फोर्स लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है फोर्स ऑसिलेशन में? क्योंकि डैम्पिंग हो रही है वहाँ पे, जैसे हम झूला झूल रहे हैं, अगर फ्रिक्शन या जो भी जिन भी वजहों से डैम्पिंग हो रही है, तो इसलिए एक वो चाहिए, एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए उनको चलाने के लिए। लेकिन अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, कोई डैम्पिंग नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, घूमे जा रही है घूमे जा रही है। तो इसमें क्या याद रखना है, बस ये याद रखना है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन में बस ये वाली चीज़ अगर तुम्हें याद हो गई, e की पावर माइनस बी टी बाई टू एम का फैक्टर आ गया, तो इस इक्वेशन बस वो चीज़ मल्टीप्लाई करनी, बाकी तो ये सब हम लिख ही सकते हैं सेम फॉर्मुलेशन से। तो नेक्स्ट लिखो थियोरिटिकल पॉइंट, फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड फ्री ऑसिलेशंस। तो लिखो फ्री ऑसिलेशंस, लिखो सबसे पहले फ्री ऑसिलेशंस, इन दीज टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस, इन दीज टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड रिमेन कॉन्स्टेंट, द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड रिमेन कॉन्स्टेंट, फुल स्टॉप, देर इज नो डैम्पिंग, देर इज नो डैम्पिंग, देर इज नो डैम्पिंग। तो इन रियल सिनेरियोज फ्री ऑसिलेशंस आर रेयर, देखो इन रियल सिनेरियोज फ्री ऑसिलेशंस आर रेयर, के बाद सेकंड लिखो फोर्स्ड ऑसिलेशंस,
फोर्स्ड ऑसिलेशंस। देखो इसमें इफ वी अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स, इफ वी अप्लाई सेकंड लिखो फोर्स ऑसिलेशंस, इफ वी अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स टू कीप ऑसिलेशंस कंटिन्यू, टू कीप ऑसिलेशंस कंटिन्यू, सच ऑसिलेशंस आर नोन एज फोर्स्ड ऑसिलेशंस, सच ऑसिलेशंस आर नोन एज फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, अब जरा एक टर्म समझते हैं अपन। एक होती है सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, और एक होती है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने वो स्प्रिंग मास सिस्टम देखा, उसका कुछ टाइम पीरियड आ रहा था ना, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और फ्रीक्वेंसी निकालनी होती तो इसका इन्वर्स हो जाता 1/2 पाई अंडर रूट के बाय। तो ये जो फ्रीक्वेंसी थी, ये मतलब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी थी या उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी? ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, है ना, उसके स्प्रिंग कांस्टेंट और उसके मास पर डिपेंड कर रही थी। सिमिलरली टाइम पीरियड जो हमने सिंपल पेंडुलम का निकाला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यानी फ्रीक्वेंसी इसकी आ जाती 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही थी? एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी लेंथ पर, तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ एक वैल्यू ही ले सकती है ना, इट कैन टेक जस्ट वन वैल्यू। तो ये तो समझ गए हम, अब इसको समझते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी, जैसे आदर्श तुम झूला झूलो ऐसी, मतलब ठीक है ये झूला झूल रहा है, सब देखो इसे, ठीक है अब थोड़ा तेज झूलो। तो पहली सिचुएशन में झूला झूल रहा था तो उसकी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कम थी, दूसरी सिचुएशन में झूला झूल रहा है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, जल्दी जल्दी फोर्स लगा रहा है वो। तो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी तो हम बाहर से डिसाइड करते हैं कि फोर्स कितने देर में लगा रहे हैं हम उस पर, है ना। तो इट कैन टेक मैनी वैल्यूज, ये बात समझ में आ रही। तो सिस्टम की एक फ्रीक्वेंसी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो तो उसकी मास और उसकी स्टिफनेस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो हम झूला झुला रहे हैं या कोई मशीन चला रहे हैं, तब हम एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, तो हम बोलते हैं रेजोनेंस हो गया, है ना। रेजोनेंस में क्या होता है, शार्प एम्पलीट्यूड निकल के आता है स्ट्रक्चर का, बहुत तेज़ी से एम्पलीट्यूड, बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इसको ज़रा लिखो, ये लिख लिया हमने, ये लिख लो सबसे इम्पोर्टेंट। तो जो फोर्स्ड ऑसिलेशंस हैं उसमें किस फ्रीक्वेंसी पे घूमेगा जो भी हमारा झूला है या मैकेनिज्म है, वो झूलेगा फोर्स्ड की जो हम फ्रीक्वेंसी तय कर रहे हैं उसके हिसाब से। और अगर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो गया तब तो और बढ़ जाएंगे ऑसिलेशंस, बढ़ जाएंगे और, है ना, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो लिखो ज़रा इस पर, इन फोर्स्ड ऑसिलेशंस द सिस्टम ऑसिलेट्स नॉट विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी,
इन फोर्स्ड ऑसिलेशंस द सिस्टम ऑसिलेट्स नॉट विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी बट विथ द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नॉट विथ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी बट विथ द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बट विथ द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अच्छा अगर झूला झूलने का एक्सपीरियंस कितने लोगों को टायर बांध के या कुछ भी जैसे रस्सी से बांध के या लटक के तो उसमें अगर अपन झूला झूलते हैं तो मान लो कि एक बहुत दूर तक गए फॉर एक पॉइंट ऐसा आता है एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे पैर मारते हैं ज़मीन पे तो और अच्छे से झूला और बढ़ जाता एम्पलीट्यूड और बढ़ जाता है ना अगर जाते हुए जा रहा है एकदम और उसी पॉइंट पे हमने पैर मारा और वो भी आगे बढ़ते साइड तो हमारा ऑसिलेशन और तेज़ी से बढ़ जाएगा एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा और मान लो स्लो होना है तो भी एक निश्चित पॉइंट पे ही पैर मारेंगे तभी वो स्लो होगा है ना तो मतलब वो कर क्या रहे होते हैं हम वहाँ पे टेक्निकली वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे होते हैं हमारी जो फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी है उसको मैच कर रहे होते हैं उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी झूले की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से तो वो झूले का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है और जब हमें रुकना होता है तब हम फ्रीक्वेंसी से अलग पैर मार रहे होते हैं जब उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है जो उससे फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं ताकि एम्पलीट्यूड कम हो जाए तो लिखो इसमें example when a child in a garden likho isme example yahi pe ha force wale mein example when a child in a garden swing periodically when a child in a garden swing periodically presses the feet against the ground presses the feet against the ground or someone else periodically gives or someone else periodically gives the child a push periodically gives the child a push to maintain the oscillations to maintain the oscillations to maintain the oscillations theek hai next likho resonance to resonance what is resonance the phenomena of increase in amplitude the phenomena of increase in amplitude when the driving frequency the phenomenon of increase in amplitude increase in amplitude when the driving frequency is close to the natural frequency of the oscillators close to the natural frequency of the oscillators is called resonance इसके बाद लिखो इफ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी एक्ट्स
ऑन एन ऑसिलेटिंग सिस्टम विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन the system oscillates with angular frequency omega d. The system oscillates with omega d. And the amplitude of oscillations is greatest. When omega d is equals to omega n. This expression is called resonant angular frequency. Resonant angular frequency. ठीक है, एक रेजोनेंस का बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ. अर्थक्वेक के टाइम्स क्या होता है, मान लो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, चार बिल्डिंग्स हैं, तो सबसे पहले तो इंट्यूटिवली एक थॉट बताओ कि मान लो अर्थक्वेक आया तो इन चार बिल्डिंग्स में से कौन सी बिल्डिंग गिरेगी. थर्ड वाली. क्यों? क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है. तो प्रैक्टिकली गलत ऑब्जर्वेशन है ये, कि मतलब इट डिपेंड्स ऑन कि अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी क्या है. अर्थक्वेक भी एक वेव की तरह आ रहा है, पूरी अर्थ को ऐसे हिलाते हुए. और ये जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी भी कुछ ना कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. तो लेट्स से इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन है, इसकी ओमेगा टू है, इसकी ओमेगा थ्री है, इसकी ओमेगा फोर है. तो अगर मान लो ऐसा कोई अर्थक्वेक आया जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे मैच कर गई ओमेगा फोर वाले से, तो ये गिर जाएगा. और इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करी तो ये बची रह जाएगी बिल्डिंग. और ये ऐसा होता है लिटरली. ज़रूरी नहीं कि बड़ी बिल्डिंग को ज़्यादा डैमेज होता है, उन बिल्डिंग्स को ज़्यादा डैमेज होता है. सबसे पहले तो कमज़ोर अगर है कि टीन की बिल्डिंग है मान लो सपोज, तो ऑफकोर्स उसको ही ज़्यादा नुकसान होगा. लेकिन अगर बिल्डिंग मटेरियल वगैरह ऐसा बनाया गया है कि स्ट्रॉन्ग इनफ है और फ्रीक्वेंसी भी ऐसी हल्की सी अलग कर ली अपन ने कि जिससे अर्थक्वेक आते हैं उससे अलग फ्रीक्वेंसी हो जाए, तो वो बिल्डिंग्स बच जाती हैं, है ना. तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गई एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से तो वहाँ ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो जाएंगे, उसको ज़्यादा नुकसान होगा. तो इन चारों बिल्डिंग में से कोई भी बिल्डिंग गिर सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है अर्थक्वेक की, है ना. तो अगर ओमेगा 3 से ज़्यादा का नेचुरल हुआ है, हाँ, ये भी गिर सकती है. ओमेगा 3 भी गिर सकती है, ओमेगा 4 भी गिर सकती है, ये भी गिर. और ये ज़रूरी नहीं कि ओमेगा 3 इज़ ग्रेटर देन, बड़ी बिल्डिंग है तो उसका ओमेगा ज़्यादा होगा, कम भी हो सकता है. दैट डिपेंड्स कि हम उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं बिल्डिंग को, है ना. मतलब बिल्डिंग इज नथिंग बट स्प्रिंग मास सिस्टम. बहुत सारी स्प्रिंग्स लगी हुई हैं और बहुत सारे मासेस लगे हुए हैं, है ना. इट्स लाइक बिल्डिंग इज नथिंग बट पिलर्स जो हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं डिफ्लेक्शंस को, स्प्रिंग की तरह. ये जिनकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, ये स्लैब्स क्या हैं, ये ब्लॉक्स हैं, मासेस हैं ये. तो डिटरमाइन करके हम ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं
कि अर्थक्वेक आने की पॉसिबिल, अब अर्थक्वेक किस फ्रीक्वेंसी से आने वाला ये तो हमें नहीं मालूम, बट एक डेटा होता है सीस्मिक डेटा जिससे पता चलता है कि यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स में जो जो मूवमेंट्स हुए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, किस रेंज में वो हो सकता है, तो उससे हट के फ्रीक्वेंसी लगाने की कोशिश करते हैं अपन। तो इंडिया जैसे 5 जोन्स में डिवाइडेड है अर्थक्वेक की जोन्स में, फाइव बींग द मोस्ट सीवियर, वन बींग द लीस्ट सीवियर। हमारा रीजन किस जोन में आता है, कुछ आइडिया? 3। तो हमारा भोपाल साइड का रीजन 3 में आता है। अच्छा, लगभग मतलब एक मोटा मोटा अंदाज़ा कम सीवियरिटी कहाँ होगी? बहुत कम। तो कम सीवियरिटी ऐसी होगी जहाँ पे टेरेन, मतलब तुम इसको ऐसा समझो टेक्टोनिक मूवमेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं, है ना, या हिमालय की तरफ चढ़ रहा है देश हमारा, ये पता है ना तुम्हें, हिमालय से बनते जा रहा है। तो ये वाला रीजन बहुत ज़्यादा सीस्मिक प्रोन है, लेवल 5 की सीस्मिसिटी वहीं पे है। दिल्ली भी उसी जोन में आता है, दिल्ली भी बहुत सीवियर है, हमारा इलाका थोड़ा इधर है, बट सीवियरिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हम भी माउंटेन से गिरे हुए, बट हमारे माउंटेन स्टेबल है। सतपुड़ा विंध्याचल इज लाइक सबसे पुराने पर्वत हैं पूरे वर्ल्ड के लिटरेचर में, मतलब ये हिमालय पर्वत चोटी बहुत नई है। तो सोशल में पढ़ा हुआ ना गोंडवाना लैंड और नए नए क्या क्या चढ़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये तो बहुत स्टेबल प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू भी बहुत स्टेबल है, हाँ उतना कम सीस्मिक रहेगा वो। जापान वगैरह वो सब और आइलैंड वाली कंट्री जहाँ पे और आइलैंड मूव कर रहे हैं इधर से उधर, वहाँ पे और ज़्यादा हर कभी भूकंप आते हैं। तो अभी सिविल इंजीनियरिंग में नई चीज़, नई तो नहीं बहुत पुरानी चीज़ है वैसे तो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है ये कि सीस्मिक प्रोन स्ट्रक्चर्स बनाने हैं आप। ठीक है, ये चैप्टर अपना यहीं कंप्लीट होता है, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना और रिवाइज करना है ना, ये कुछ नहीं, एक ही इक्वेशन पर पूरा चैप्टर चलते चलते ख़त्म हो गया। तो इट्स लाइक वेरी इजी चैप्टर अगर एक इक्वेशन पर हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए एक दो बार, और अगर वही इक्वेशन नहीं अच्छे से याद हो पाई तो बहुत टफ चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि फिर आगे की चीज़ें नहीं बन पाएंगी। अब वेव शुरू करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। बढ़ जाएगा, मैक्सिमम पहुंच जाएगा, नहीं फ्रीक्वेंसी जैसे मिसमैच हो गई, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे अपन कर सकते हैं कि मान लो ये ओमेगा है फ्रीक्वेंसी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या क्या हो रहा है उसका, तो ये कुछ ऐसा इस टाइप का शेप दिखता है। मैक्सिमम कहाँ पर होता है एम्पलीट्यूड, जब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए एक्सटर्नल, उसके इस तरफ भी कम है, इस तरफ भी कम है, दोनों तरफ कम है। इनफैक्ट डी बढ़ाएंगे तो ओमेगा कम होगा, कि वो डी 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 क्या बोल रहे हो तुम, डी मतलब ओमेगा डी और बढ़ाने डी बढ़ाना, हाँ ठीक है, तो ओमेगा है, पहले डी बताओ डी क्या को क्या बोल रहे हो, व्हाट इज डी, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बढ़ाई अगर अपन ने, हाँ ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखो, मतलब कि अगर इस ग्राफ को अपन समझने की कोशिश करें तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम अपन को एम्पलीट्यूड मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इज मैच बाय द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब इसके थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी हमने मान लो सपोज, तब भी कम हो रहा है, और थोड़ी घटा दी तब भी कम हो रहा है, नहीं ये रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है। तो एक और एग्जांपल देते हैं इसका कि जब मार्चिंग होती है सोल्जर्स की, तो नॉर्मली वो रोड पे चल रहे होते हैं तब भी मार्चिंग करते हुए चल रहे होते हैं, लेकिन जब ब्रिज आता है तो उनको बोलते हैं मार्चिंग ऑफ कर लो, क्यों ऑफ कर लो, क्योंकि मान लो सब एक साथ मार्च करने लग गए, तो वो एक ही सबके मान लो 100 लोग हैं तो सबके पैर इकट्ठे एक टाइम पे साथ में रखा रहे, तो मान लो गलती से ब्रिज की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई इनके एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से सोल्जर्स की, तो ब्रिज कोलैप्स हो सकता है
इतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो सकता है कि हिलते हिलते वो कोलैप्स ही हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करेंगे हम वेव्स, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना SHM के।